नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके क्विज बकर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे मोदी कैबिनेट के जो मंत्रियों के नाम देखेंगे कि किस नेता को कौन सा विभाग मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे में पूछे जा सकते हैं कभी। ठीक है, और ये हर साल रेलवे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये मंत्रियों का नाम तो पूछता है कि कौन से विभाग से भी बिलोंग करते हैं वो पूछता भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नई कैबिनेट के गुरुवार शाम को राष्ट्रपति भवन प्रांगण में दोस्तों पद और गोपनीयता की शपथ देने के बाद गुरुवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में सभी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। जारी गई की गई सूची में राजनाथ सिंह को दोस्तों रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय और नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। नरेंद्र मोदी दोस्तों प्रधानमंत्री और प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री में दोस्तों है पहले नंबर पर है राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्रालय संभालेंगे। नेक्स्ट है अमित शाह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वह संभालेंगे गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी, तो वो संभालेंगे दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है डी जी सदानंद गौड़ा, जो कि हैं वो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय संभालेंगे। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामले में ये अपना जो काम करेगी। नेक्स्ट है रामविलास पासवान, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट नाम है सेवन्थ नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये जो व्यवस्था होती है उनका जो देखभाल करेंगे। ठीक है, उनकी देखरेख करेंगे। सेकंड है एट्थ नंबर पर रविशंकर प्रसाद, जो कि कानून, न्याय और संचार, सूचना प्रौद्योगिकी में मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है हरसिमरत कौर बादल, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दसवें नंबर पर थावर चंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशंकर, जो कि विदेश मंत्रालय में कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्वेल्थ नंबर पर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव संसाधन विकास में कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलात, ठीक है, मंत्रालय में कार्यरत रहेंगे। स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि स्मृति ईरानी हैं, महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय में कार्यरत रहेगी। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत रहेंगे। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यरत रहेंगे। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, ये वहाँ पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है पीयूष मंत्रालय को वही वापस सौंप दिया गया, रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक तथा इस्पात मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलात में ये कार्य करेंगे मंत्रालय में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, संसदीय मामले और कोयला तथा खान मंत्रालय में ये कार्य करेंगे। ठीक है, वहाँ पर ये कार्य करेंगे प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है 21 नंबर के महेंद्र नाथ पांडे, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अरविंद गणपत सांवत, जो कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में कार्य करेंगे। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय में कार्य करेंगे। ठीक है, यह आप देखिएगा। नेक्स्ट है राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार है, ये संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कार्यान्वयन करेंगे। ठीक है, यह कार्य वहाँ करेंगे, कौन, राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट है
श्रीपाद येसो नाइक आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा आदि में मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है किरण रिजिजू युवा मामले और खेल मंत्रालय में कार्य करेंगे। किरण रिजिजू ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले में। नेक्स्ट है मनसुख एल मंडाविया जहां जरानी मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है राज्य मंत्री में है फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय में। नेक्स्ट है अश्विन कुमार चौबे जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामले में कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय व भारी उद्योग में कार्य करेंगे दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल सेवानिवृत्त वी के सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और आधिकारित मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है दानवे राव साहेब दादराव ये उपभोक्ता मामले में कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय, ठीक है। और नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है रामदास अठावले सामाजिक न्याय और आधिकारिता में काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्य करेंगी। नेक्स्ट है बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है संजीव कुमार बालवान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में कार्य करेंगे। धोत्रे संजय मानव संसाधन विकास कार्यालय में काम करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त तथा कॉरपोरेट मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अंगदी सुरेश चंद बसप्पा जो कि रेल मंत्रालय में, ये सब राज्य मंत्री, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नित्यानंद रॉय गृह मंत्रालय व जल शक्ति। नेक्स्ट है रतन लाल कटारिया जो कि जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है वी मुरलीधरन विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है रेणुका सिंह सरूता जनजातीय मामले मंत्रालय में कार्य करेगी। नेक्स्ट है सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामेश्वर तेली जो कि खाद्य प्रसंस्करण में कार्य करेंगी मंत्रालय में कार्य करेंगे ये। और नेक्स्ट 22 नंबर पर प्रताप चंद्र सारंगी पशु संवर्धन व MSME पे कार्य करेंगी, ठीक है ये करेंगे। नेक्स्ट है कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है 24वें नंबर पर देबाश्री चौधरी महिला और विकास कार्यालय में मंत्रालय में कार्य करेंगे। दोस्तों ये सारे जो तमाम नेता हैं इनका कार्यालय का जो भी कार्यालय का नाम है किस विभाग में कार्य करेंगे वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ये एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इसी जाकर मैंने इस वीडियो में एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो खासकर रेलवे के एग्ज़ाम हो NTPC रेलवे और ग्रुप डी और SSC ये इन स्पेशल टॉपिक है उनका रेलवे का वालों का तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों रट लें, एक तरह से पूरा रट लेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है रेलवे के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर डे आपको GK रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ इसी समय इसी वीडियो आपके इसी प्रकार की वीडियोज़ के साथ में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।